नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ वृंदावन और कार्तिक मास चल रहा है, पावन पवित्र। मैं ठाकुर जी से, जैसी कार्तिक मास शुरुआत है वैसी मैं ठाकुर जी से के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि हमें कार्तिक मास में वृंदावन धाम बुला लीजिए और हम यमुना जी में स्नान करें। कार्तिक का स्नान हम, पूर्णिमा का स्नान हम यमुना जी में ही करें। और देखिए, ठाकुर जी की कृपा हुई तो हम सब आ गए वृंदावन दर्शन के लिए और कार्तिक स्नान करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा आनंद आया। डुबकियाँ लगाई हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे कार्तिक मास में, और फिर हमने यमुना जी में स्नान भी किया। और जो हमने स्नान दो जगह किया, एक तो हमने किया, ये देखिए, ये है श्रृंगार घाट। तो पहले हमने श्रृंगार घाट पे पहला स्नान किया, फिर अगले दिन हमने स्नान किया जुगल घाट पे। और केशी घाट पे तो गहरा पानी होता है, तो उधर थोड़ा डर रहता है, इसलिए हमने उधर स्नान नहीं किया। बाकी हमने परिक्रमा लगाई और सभी मंदिर के दर्शन किए अच्छे प्रकार से। तो उससे पहले हमने स्नान किया और फिर हमने अपने, देखिए, दोनों गोपाल गोपाल ठाकुर जी को भी यमुना जी में स्नान करवाया, देखिए किस प्रकार से। और बड़ा ही आनंद आया। और यमुना जी का पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। बड़ा ही आनंद आया यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। और फिर हमने दीपदान भी किया, देखिए, और बड़ा ही मज़ा आया। दीपदान भी किया, स्नान किया, दीपदान, सभी पूजा पाठ किए। और उधर जाके हमने कार्तिक महातम में भी पढ़ा यमुना जी के पास ही बैठ के, जो भी कार्तिक का नियम हमने लिया था पंचमी को स्नान का, वो सारा हमने उधर बैठ के निभाया, और जो कि बहुत ज़्यादा आनंद आया। बाकी बिहारी जी ने हमारी सुन ली पुकार और हमें श्रीधाम वृंदावन बुला लिया। और हमने बड़ा ही आनंद आया हम लोग को वहाँ जाकर। परिक्रमा भी लगाई हमने अच्छे प्रकार से, वहाँ की बिहारी जी की कृपा से हमने परिक्रमा लगाई, अच्छे से परिक्रमा हो गई और सभी मंदिरों के दर्शन किए पूर्णिमा वाले दिन, देखिए। और एक बार और, हाँ, ठाकुर जी का जन्मदिन भी था। हम ठाकुर जी को 5 नवंबर को लेकर आए, तो हम इधर से 5 नवंबर की रात को गए और फिर हम 8 तारीख तक हम इधर आ गए अपने घर पे। देखिए, ठाकुर जी ने अपने जन्मदिन पे भी हमें कितनी अच्छी एक हमें सरप्राइज़ दे दिया। और इस बार हम उनका जन्मदिन तो नहीं मना पाए, क्योंकि हम इस बार तो उनके जन्मदिन पे हम बस में थे, गाड़ी में थे, क्योंकि हम वृंदावन जाना था। बाकी हमने उनका जन्मदिन वृंदावन में ही मनाया अच्छे प्रकार से। तो घर पे मैंने सुबह सुबह उनका नई पोशाक पहनाई और सेवा पूजा की, राधा कृष्ण जी की चेंज की पोशाक। और फिर हम रात को वृंदावन के लिए निकल गए, जो कि हम अगले सुबह 2 बजे पहुंच गए। थोड़ी देर हमने आराम किया आश्रम में और फिर हमने 3-4 बजे से यमुना जी के पास चले गए और फिर उधर जाके हमने स्नान किया। तो ये देखिए, ये पूजन का, यहाँ पे देखिए हमने ठाकुर जी को रख लिया और उनके सामने हमने कार्तिक महात्म में दीपदान सब कुछ हमने किया। 365 पत्ती का दीपक देखिए जल रहे हैं दोनों तरफ, और ठाकुर जी की आरती उतारी। और फिर स्नान करने के बाद हमें परिक्रमा में लग गए, जो कि परिक्रमा करने में हमें 3 से 4 घंटे लगे। ऐसे तो नॉर्मल परिक्रमा 2 से 3 घंटे हो जाती है, लेकिन हमें 3 से 4 घंटे इसलिए लगे क्योंकि हमारे साथ सभी लोग गए थे, हमारी मम्मियाँ भी गई थी। तो वो लोग बीच बीच में जो भी शॉपिंग करना होता है, सामान खरीदना होता है, तो हम सब सामान खरीदा इसलिए। और ठाकुर जी की ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, थोड़ी सी शॉपिंग की है इस बार, तो क्योंकि इस बार ठाकुर जी के पास पोशाकें थी लगभग, इसलिए खाली सर्दियों की थोड़ी सी ड्रेस खरीद ली, बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए तो थी। तो देखिए, हम केशी घाट से पहले ये भ्रमर घाट आता है, इधर भी देखिए बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और धुंध हो रही है हर तरफ। यमुना जी के घाट बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो हमने पूरी परिक्रमा अच्छे प्रकार से की, आधी परिक्रमा तो हमने चल के की और आधी हमने वो ई रिक्शा से की, क्योंकि पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो गया था हमें। ये देखिए, अब हम केसी घाट आ चुके हैं, यहाँ पे भी हमने परिक्रमा लगाई, इधर शिवलिंग भी रखे हैं 3। और इधर देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, आरती की तैयारी हो रही है, शाम को आरती होगी ना, उसके सुबह ही तैयारी हो जाती है इधर। और इधर डस्टबिन भी है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान है। हनुमान जी का एक मंदिर भी था। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ये देखिए, हमने यमुना जी में बोटिंग की, जो कि बड़ा ही आनंद आया यमुना जी में बोटिंग करने का। जब यमुना जी हिलोरे मार रही थी और जब हमारी बोटें हिल रही थी, हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा था, आनंद की अनुभूति हो रही थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जब हम वृंदावन में हमने यमुना जी की बोटिंग की, और यमुना जी की बोटिंग तो मैंने पहली बार ही की थी, और पहली बार मैंने किसी नदी में भी नहाया, सबसे देखिए भगवान की कृपा से सबसे पहली बार मैंने यमुना नदी में नहाया, और आज तक मैं किसी नदी में नहीं नहाया। बाकी ठाकुर जी की कृपा से हम पहली बार आज हमने सारी परिक्रमा कर ली। हमने शुरू की थी श्रृंगार घाट से, परिक्रमा शुरू की और वापस
श्रृंगार घाट पर वापस आके हमने अपनी परिक्रमा को समाप्त किया। और एक सबसे बड़ी बात बहुत अच्छी लगी मेरे को कि यहाँ के लोग की दिल बड़ी ही साफ है और बाकी बंदरों से बच के रहे। हमारा पर्स बंदर दो दो बार लेके गए, और जिसमें हमारे एक में 700 रुपये थे और एक में 2000 रुपये थे, लेकिन पैसे तो मिल गए लेकिन 500 रुपये बंदर तो ले ही गया। और उसके बाद ये देखिए परिक्रमा मार्ग पर ही श्री जी का ये विवाह उत्सव की ये एक जुलूस जैसा हम कह सकते हैं वो निकल रहा था, क्योंकि राधा वल्लभ में अभी 3 दिन का उत्सव मनाया जा रहा था श्री जी के विवाह उत्सव। तो ये देखिए यहाँ पे श्री जी राधा वल्लभ जी का जो विवाह उत्सव है उसकी बारात निकल रही है। शायद हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन इस बार नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि पूर्णिमा का दिन था। बाकी भाई जी के दर्शन तो अच्छे से हो गए लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब मैं आपको थोड़ी सी आगे क्लिप दिखा देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो और सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगी, ये देखिए आज तक हमने गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी को टीवी पर ही और मोबाइल पर ही देखा करते थे सभी लोग, परिवार के लोग, लेकिन आज पहली बार हमने वृंदावन गए तो गौरी गोपाल आश्रम के भी दर्शन किए और उनकी भागवत कथा भी हमने बैठकर सुनी जो कि बहुत ज़्यादा आनंद आया। तो अभी अब इनकी थोड़ी सी क्लिप देख लीजिए कथा की। तो हमने कथा को सुनने के बाद हमने गौरी गोपाल भगवान के दर्शन किए और सभी वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, क्योंकि बहुत अच्छी से सेवा चली थी, डॉक्टर नर्स की भी सुविधा थी और जो आश्रम था वो किसी महल से कम नहीं था, बहुत सुंदर आश्रम था। तो इसके बाद हम रात हुई तो हम गए इस्कॉन टेम्पल जहाँ पर हमने हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन बुना था, तो हमने वहाँ पर भी उनको ज्वाइन किया और उनके साथ डांस किया, सभी के साथ सब ने मज़ा किया और बहुत आनंद आया इस्कॉन टेम्पल में भी। तो आप यहाँ के भी थोड़ी क्लिप देख लीजिए छोटी सी। तो इस्कॉन टेम्पल के बाद हम अपने आश्रम में आ गए और हमने विश्राम किया, फिर हम सुबह वापस यमुनाजी में स्नान करके हम यहाँ पे देखिए निधिवन आए। ये देखिए निधिवन का नज़ारा है। साथ ही में निधिवन का दर्शन करने के बाद हम लोग गए रंगजी मंदिर, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पे सभी के दर्शन किए। रंगजी मंदिर के बाद हम वापस बस स्टैंड पे आए और फिर हम वापस अपने घर के लिए निकल गए। तो आप थोड़ी निधिवन के क्लिप्स देख लीजिए। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? ठाकुर जी जन्मदिन पे हम वृंदावन गए पूर्णिमा के अवसर पर और हमने अपनी यमुना में स्नान किया और फिर दीपदान किया और वृंदावन की परिक्रमा लगाई। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।